अहम खबर आप तक पहुँचाएं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमती काविज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करने का हुकूमती प्लान तैयार कर लिया गया। पावर और पेट्रोलियम सेक्टर के रेगुलेटरी इदारों को जम करके एक इदारा बनाने की तजवीज़ दी गई है। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन बताएगा कब तक इन इदारों को जम करने का रूट मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमती जो प्लान है वो एक तैयार कर लिया गया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, पावर और पेट्रोलियम सेक्टर के जो रेगुलेटरी इदारे हैं तमाम उनको जम कर दिया जाएगा। ओगरा, नेपरा और नीका को एक ही रेगुलेटर कायम किया जाएगा, जो कि जो एनर्जी और जो पेट्रोलियम सेक्टर के जो डिविजन हैं उनको देखेगा। और ये जून 2024 तक एक जो है वो कायम कर दिया जाएगा, जिसका रवा साल दिसंबर तक इस हवाले से रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। रेगुलेटर के इंजमाम के लिए शराकत दारों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप तैयार किया जाएगा। इस वर्किंग ग्रुप की जो सिफारिशात होंगी उसी की रोशनी में एक एनर्जी रेगुलेटर कायम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमती काविज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करने का हुकूमती प्लान तैयार कर लिया गया है।